प्रकाशिनी आचार्य नित्य कल्याण दायिनी नामय विष्णु पादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने अति नम विष्णु पादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रितानंच पालिने जीव दुखे सदात्राय श्री नाम प्रेमदायिने नामयाम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवासवान विदेवी दैताय कृपाद्वये कृष्णा संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदल श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनधारिणे श्रीरूपानुग विरुधाव सिद्धांत दंतहारिणे नमो गौरधीश्वराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसाम्बुधे पादाम्बुजाय ते नमः नाम भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः जयतां सुरतरुपङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पादाम्भज श्रीराधा मदन मोहन दिव्यद वृन्दारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमात रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्रीराधा श्री लघुवृन्द देव पृष्ठलिभिर्मान स्मरामि श्रीमान रास रसारम्भि वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणु शरीर गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु न वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दबनला सम संसार I
कृष्ण कृपा भाई जय प्रसाद Thank you.
सच्चिदानन्द श्रियाद्वैत गदाधर शिव सदि Bye.
Thank you.
जय जय हरे नाम चिदानंद क्या उनको ठंडा लग रहा पर Yeah.
कृष्णदेव भवन्त। 216 Yeah.
बढ़िया से तुम हरे कृष्णा तुम भी खोल करे गला खोल कर दबा कर Oh,
हरे कृष्ण ओम ज्ञान निरंजस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवी प्रिया अरि केशव सच कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म निखिलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर्शत श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म निखिलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर्शत श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी को यथाजित प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम लोग गत कल्ला श्रवण कर रहे थे। क्या श्रवण कर रहे थे? एक बुद्धिमान और एक अल्प बुद्धिमान। कहते जो बुद्धिमान और एक अल्प बुद्धिमान, जो अल्प बुद्धिमान क्या करते हैं संसार में? नहीं बोलो क्या करते हैं वो? यज्ञ मतलब, वो मतलब क्या? तुम कुछ पढ़ते नहीं जान आ जाते अलग-अलग वस्तु के लिए अलग-अलग देवताओं की पूजा करते हैं इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो अल्प बुद्धिमान है वो अलग अलग इच्छाओं को पूरी करने के लिए इच्छा वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अलग 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 देवा देवियों को पूजा करते हैं। जिसको भगवत गीता में बताया कामस्तस्तृत ज्ञाना प्रपदते अन्य देवता, कहते कामना वासना को द्वारा जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है फिर इधर उधर देवा देवियों के पास में जाकर के अलग अलग कामनाओं को पूरी करता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति वो क्या करते हैं? कहते अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न जजते पुरुषम परम। कहते अकाम, अकाम मतलब होता है अगर कोई है कोई भक्ति है निष्काम होकर अगर कोई प्राप्त करना चाहते भगवान को भक्ति सर्व काम बा सर्व काम मतलब सारी इच्छाओं को सारे कामनाओं को जो चाहते हैं। इसलिए मोक्ष काम अगर कोई मुक्ति काम का भी कोई इच्छा करता है कहते किसको पूजा करो? बोले जजेत पुरुषम हरम, कर भगवान कृष्ण को राम को नारायण को पूजा करनी चाहिए। इसलिए कल हम इसी विषय पर बहुत बहुत कुछ हम लोगों ने श्रवण किया था। क्यों किस लिए भगवान की पूजा करनी चाहिए, देवा देवियों को क्यों पूजा नहीं करनी चाहिए, इसको बाद में मैं सबसे सुनूंगा क्या तुम लोगों ने सुना है। ठीक है, अभी एक बहुत बढ़िया श्लोक है, इस श्लोक को सबके सब याद करना।
बोले आयुर हरति वै पुंसान उद्यान अस्तंच जनासौ तस्से रिते जम खिणम नीता उत्तमा श्लोक वार्ताय। कहते यहाँ पर सुतो गोस्वामी कहते आयुर हरति वै पुंसान उद्यान अस्तंच जनासौ। कहते जब सूरज पूर्व दिशा में उदय होकर के जब वो पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं क्या होता है हमारा एक दिन उसमें परमायु नष्ट हो जाता है। बोले सभी का तो परमायु नष्ट होता है लेकिन किसका परमायु नष्ट नहीं होता है? बोले उनका परमायु नष्ट नहीं होता है जितने समय हम भगवान की कथा सुनते हैं, क्योंकि उतना समय जीव का नष्ट नहीं होता है और सबके सब समय हमारी नष्ट हो जाता है। इसलिए विश्वनाथ विश्वनाथ ठाकुर बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। हाँ ये चीज को तुम लोग लिखना। कहते कृष्ण कथा श्रवण विषय में विलंब नहीं करनी चाहिए। बोले क्यों नहीं करनी चाहिए? कारण है इसलिए कहते आयुरु हरति भई पुंसान। तुम पीछे क्यों बैठते हो? सामने बैठो। और इसलिए कहते आयुरु हरति भई पुंसान क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कहते कृष्ण कथा सुनने में क्यों विलंब नहीं करनी चाहिए। कहते जो सूरज है कृष्ण कथा के बगैर और जो समय है ये का सूरज ये हरण कर देता है। इसलिए क्या करनी चाहिए? समय को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। उदाहरण दिया कहते निमेश मात्र क्षण काल कृष्ण कथा द्वारा आयु सफल है। या कह रहे अगर थोड़ी भी समय हम भगवान की कथा सुन लेते हैं उसको द्वारा क्या होता है हमारा जो परम सार्थक हो गया। इसलिए कहते ना जीवितम विष्णु भक्त परम पंच दिनानि। हाँ इसलिए पांच दिन भी अगर भगवान की कथा सुनते सुनते जीवन बिता तो उतना ही जीवन तुम्हारी सार्थकता है। न तो कल्प सहस्राणी भक्तिहीन से कैसे भगवान से भक्तिहीन होकर के वह कृष्ण कथा सुने बगैर अदर कल्प कोटि कल्प काल अगर बिता भी दिया हमारे को इसमें लाभ नहीं। इसलिए कहते हैं थोड़ी समय के द्वारा जब भगवान की कथा सुनते हैं निमिष मात्र अगर उसमें आयु सार्थक होता है। जैसे एक उदाहरण दिया जैसे कि वृक्ष है अगर किसी वृक्ष की एक टहनिया में एक फल आ गया फिर हमें क्या पता चलता है ये जो पेड़ है ना फलदार पेड़ है। अगर किसी एक टहनिया में फल आ गया मतलब पूरा पेड़ में ही उसमें फल जरूर आएगा इससे हमें पता चल जाता है। तो ठीक उसी तरह है तो उसी तरह सकल कृष्ण कथा का अतिवाहित होनी चाहिए। कहते अगर थोड़ी सी समय अगर कृष्ण कथा में अगर जीवन सार्थकता हो जाता है अगर पूरा के पूरा अगर कोई जीवन को कृष्ण कथा में लगाए तो तभी सुना चुके ठाकुर यहाँ पर कहते हैं फिर तो समझो हमारे संपूर्ण रूप में हम मृत्यु को जय कर लेंगे। मृत्यु का हम जय कर लेंगे। इसलिए जितने समय हम कथा सुन रहे हैं ना क्या कर रहे हैं ठाकुर की गोद में बैठे ठाकुर जी की गोद में बैठे। इसलिए प्रभुपाद एक बात कहते हैं गौरी मठ में कृष्ण कथा रूपी जो अग्नि हर्ष में प्रज्वलित तो होनी चाहिए। कहते मठ कहते हैं किसको? कहते मठ उससे कहते हैं पठंती बसंती जत्र छात्रा। ये मठ का प्रभुपाद संज्ञा देते हैं क्या कहते हैं पठंती बसंती जत्र छात्रा जहाँ पर पारमार्थिक जो स्टूडेंट छात्र जहाँ पर बसंती जहाँ पर रहते हैं और पठंती जहाँ पर अध्ययन करते किस चीज की कृष्ण कथा की कृष्ण भक्ति की जहाँ अध्ययन करते हैं वही मठ है। इसलिए मैं जब मथुरा मठ में आया ना वहाँ पर देखता तीन तीन टाइम कथा होती तीन टाइम और जब कोई तिथि होता था गुरुजी तो चार टाइम कथा करते थे। जैसे मथुरा मठ में जाकर देखा जैसे कृष्ण कथा मंदिर जैसे नदी पहाड़ जैसे आया जैसे इसी समय में वहाँ पर कीर्तन के बाद में कथा होती है। फिर गुरुदेव तो फिर कथा करते हैं शाम को गुरुदेव कथा करते हैं फिर जब फिर आरती हो जाती है फिर बैठते हैं दिन रात वहाँ पर कथा ही कथा है कथा ही कथा। फिर जब गुरुवर का तिथि आ जाता ना फिर एक्स्ट्रा और एक टाइम हो जाता था जैसे गुरुदेव ये सवेरे 10 बजे गुरुदेव फिर बैठते हैं बैठ करके फिर 12-1 बजे तक उनकी गुणानुवाद गुरु वैष्णव की गुणानुवाद होता है। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं अगर हर समय अगर हम भगवान की कथा में रहे भगवान के नाम कीर्तन में रहे ना फिर मन तो इधर उधर भटकेगा नहीं
हर समय अगर कथा में रहे मन को कहाँ समय ही इधर उधर चिंतन करने का, पर ये मन उधर उधर कब चिंता करता है, जब उसको समय मिलता है, फिर इधर उधर उल्टा पुल्टा चीज में मन फिर भागता रहता है। इसलिए यहाँ विश्वनाथ चतुर्थ कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं कृष्ण कथा अतिवाहित तो होनी चाहिए, हर समय में कृष्ण कथा में ही जीवन बीते और दूसरे चीज में जीवन नहीं बीते। इसलिए आप लोग जो इतने कष्ट सहन करके सवेरे आते हैं ना, आपको धन्यवाद है जो कृष्ण कथा सुनने के लिए आते हो, हाँ? अगर यहाँ पर नहीं आते तो फिर इस समय तो हम उल्टा पुल्टा गावे लगाते संसार में, इधर उधर तो काम तो किसी तरह समय तो बीत तो हो जाएगा, लेकिन भगवान की कथा जो सुनते हैं ना, समझो आपका ही भक्ति हो रही है, जो कथा में नहीं आ रहे ना उनका भक्ति ठीक नहीं हो रही है, कभी हो ही नहीं सकता है। कृष्ण कथा के बगैर कोई बद्ध जी, मैं कुछ दब कुछ भक्तों को देखता हूँ, तिलक उतर गई, आखंटी उतर गई, माला फाला जहाँ था लटक रहा है, कोई भजन क्यों कथा नहीं सुन रहे हो, भक्ति में पुष्ट कौन करेगा। हम विशेष कर कलयुग का जीव, हमारा तो स्वाभाविक रूप में विषय में रुचि है, स्वाभाविक रूप में। इसलिए यहाँ पर कहते यदि कृष्ण कथा द्वारा हो सही खड़े लोग मरी बना, यहाँ पर कह रहे हैं जितने समय हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं ना उतना समय हम नहीं मर रहे, और जितने समय कृष्ण कथा नहीं सुन रहे हैं ये सूरज काल है, ये सबका सब परमा को नष्ट कर रहा है, ये काल है ना। कब जितना समय कृष्ण कथा सुन रहे हैं उतना समय तो नहीं मर रहे, और जितने समय कृष्ण कथा नहीं सुन रहे उतना समय हम मर रहे, हमारे परमायु उतना समय हमारी नष्ट हो रही है परमायु। इसलिए हाँ, उत्तर उत्तर सत्य जब मैंने सत्पात्र धन दानकारी व्यक्ति के अक्षय भी तो बोला है, यहाँ पर कह रहे जैसे आपका जो धन है अगर ये धन को अगर सत्पात्र में अगर हम देते हैं, सही जगह पर अगर देते हैं, वो धन अगर सचमुच से भगवान की सेवा में भक्तों की सेवा में अगर जाता है, तो यहाँ पर विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कहते हैं इसका फल क्या है, कहते उसको अक्षय फल प्राप्त होता है, उसको अक्षय फल कारण क्या बोले अनंत, कहते कारण है पर जगत में उसको अनंत भोग का लाभ होता है, हैं? अगर कोई सत्पात्र में कोई अगर अर्थ दान देता है उसको परवर्ती समय अक्षय धाम उसको भगवत धाम की प्राप्त होता है। जैसे हम कथा सुनते हैं ना भागवत में, जैसे निर्गम महाराज हैं, उन्होंने दान तो दिया कर्मकांडी ब्राह्मण को, कितने दान दिया, कहते पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते, इतने गया उन्होंने दान दिया, सिंह को सोने में बढ़वा करके, खुद को चांदी में बढ़ा करके ब्राह्मणों का दान दिया, लेकिन एक गया अगर भूल से जिसको संकल्प कर लिया था कैसे आकर के मिल गया अनजान में दे दिया, वाह दोनों ब्राह्मण लड़ पड़े, बोले ये मेरी गया लास्ट में क्या अभिजाप दिया, गिरगिटी जैसे रंग बदलाते, इसलिए गिरगिटी बना, इसलिए क्योंकि वो जो ब्राह्मण थे कर्मकांडी ब्राह्मण थे, भक्त नहीं थे, हैं? क्योंकि वो अपना जीत पर अड़ गए, उन्होंने ये नहीं देखा ये राजा जो दान दिया है एक व्यक्ति, इनकी कैसे सदगति हो, इनकी कैसे कल्याण हो, उन्होंने नहीं सोचा, वो अपना बात पर अड़ करके हैं कैसे मेरी गैया को कैसे दान दे दिया, दूसरे को अपना बात पर अड़ गए। लेकिन एक वैष्णव कैसे एक दिन आया थे घर में, एक वैष्णव को भोजन कराया और एक भागवत ग्रंथ लिख करके दिया, इसका फल क्या हुआ, कृष्ण दर्शन, साक्षात कृष्ण दर्शन हुआ, और ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी का चरण स्पर्श होते ही उसने सुंदर देवता जैसे रूप धारण किया और उनको भगवत भक्ति प्राप्त हुआ। इसलिए कहते हैं अगर कोई सत्पात्र में अगर सही सही अगर हमारी जो धन है अगर भगवत सेवा में अगर लगता है धन, कहते वो जो धन है वो सार्थकता है, वो धन सार्थकता वो धन है। इसलिए कर दान देते समय हमको देख करके भी दान देनी चाहिए, हमारा जो अर्थ है क्या सचमुच से भगवान की सचमुच से भक्तों की सेवा में लग रहा है कि नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अक्षय कारण अनंत भोग लाभ कर से रूप जरा कृष्ण कथा जरा समय अतिवाहित करे तारा पर जगत पार्श्वत तो प्राप्ति द्वारा निश्चय ही अक्षय परमाय लाभ करे। यहाँ पर कहते हैं जो व्यक्ति अपना समय को कृष्ण कथा में लगाते हैं उनको क्या फल प्राप्त होता है, उसको अक्षय भगवान की धाम की प्राप्ति होती है, भगवत लोक में गमन करते निश्चय रूप में कहते भगवान की धाम उसको जरूर प्राप्त होगा जो कृष्ण कथा में समय को बिताते हैं। यहाँ द्वारा
कृष्ण भजन है आयु हरण अभाव। कहते जो हम भगवान कथा में जो समय को बिता रहे उसको क्या हो रहा है, इसको तरह हमारा आयु हरण नहीं हो रहा, क्योंकि काल का जो काल है कौन है, ठाकुर जी। इसलिए चैतन्य भागवत में बताए काल को तो सारा दुनिया डरते हैं, लेकिन काल किसको डरता है, काल चक्र डराए देखिए विष्णुदास। काल जो चक्र है केवल वैष्णव को देख करके डरता है, कारण क्या है, वैष्णव हर समय भगवान कीर्तन कथा भजन में लगे हुए, इसलिए वो काल का काल जैसे हम यहाँ बैठे हुए काल हमारे परमा को नष्ट नहीं कर पाएगा, क्यों, हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, ठाकुर की हम कथा सुन रहे हैं, इसलिए काल चक्र डराए देखिया विष्णुदास, काल चक्र डराए देखिया विष्णुदास, मतलब विष्णुदास को देख करके जो काल चक्र है वो भक्तों को देख करके डरता है। अभाव कितु भक्तर जन्म मरण रोगादि भक्तिर उत्कंठा वर्धन निमित्त भगवत इच्छाते हया थके। यहाँ पर कहते हैं कभी कभी भक्त तो ऐसे है जन्म है जो दिव्य है, लेकिन कभी कभी भक्तों का जन्म, कभी कभी इनका मरण, कभी कभी इनका शरीर में बीमारी भी कभी कभी देखने को मिलता है, पर ये सब चीज क्यों होता है, हैं? इसलिए मेरे गुरुदेव को भी उन्होंने किसी वैष्णव ने पूछा जो गुरुदेव कभी कभी वैष्णव को शरीर में भी बीमारी देखने को मिलता है जो भक्ति करते हैं इसको क्यों होता है, तो यहाँ विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं बोले भक्ति में उत्कंठा को बढ़ाने के लिए ही कभी कभी है इनको शरीर में मरण रोग ये सब चीज को कभी कभी दिखाई पड़ता है। कभी ये शब्द सब भगवत इच्छा से ही ये सब सब होता है, जेखने काल कर्माद्रि और कारण नहीं, क्योंकि वहां पर कोई काल कर्म के विचार नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारे जो मेरे जो गुरुदेव थे अंतिम समय में उन्होंने कुछ अस्वस्थ लीला उन्होंने अभिनय किया है, वैष्णव लोग जब किया उस समय में कभी हम लोग हम तो मंदिर में आए थे, कभी गुरु जी का हमने सेवा नहीं किया, हम लोग मेरे इधर उधर का सेवा करता था, लेकिन जो डायरेक्ट जो गुरु जी का सेवा कभी नहीं कर पाया। फिर गुरु जी ने क्या किया, तब गुरुदेव ने बोल दिया देखो क्योंकि जब तक हम गुरु जी की सेवा नहीं करते हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता, वैष्णव सेवा के बगैर तो कल्याण कभी होगा ही नहीं, इसलिए गुरु वैष्णव कभी कभी जान बुझ करके कहते हमारी सेवा को ग्रहण करते हैं, इसलिए पूरा सबको दो घंटा करके नियुक्त कर दिया, आप दो घंटा रहेंगे, आप दो घंटा रहेंगे, आप दो घंटा रहेंगे, आप दो घंटा रहेंगे। और मैं तो उस समय एकदम मैं तो बच्चा था उस समय, कितना 15-16 साल ऐसे होगा जब गुरुदेव में मार्केटिंग करता था, लक्ष्मी बाजार था, वहाँ से सब्जी लाना मंदिर का सारी मैं सारे मार्केटिंग करना, चावल पापड़ सब लाना, साइकिल में जा करके दिन भर लाता था। फिर जब फिर मंदिर में कितना बजे उठते, 4 बजे उठना पड़ता था क्योंकि आरती होगी 4:30 बजे आरती होगी, उसको पहले नहा धो करके आनी करके फिर उसके बाद में फिर मैं तो बहुत ही सेवा करता था। यहाँ पर जैसे कोई एक सेवा ना, मैं इतने सेवा करता जो सोच भी नहीं सकते हो। सवेरे उठ करके जो सब्जी आमनिया का था मेरा ही, क्योंकि हमारे मंदिर में जल्दी जल्दी प्रसाद बनता है, सब्जी अमनिया करना मेरा सेवा था। अमनिया करके फिर उसके बाद में फिर फूल लेने के लिए वहाँ पर जल टाँकी गोपीनाथ मंदिर के पास में, वहाँ देखना एक चंपा का पेड़ है, फिर मैं रात चला जाता था जा करके वो फूल को फिर तोड़ कर लाता था, तोड़ कर ला करके उसके बाद में समय हुआ तो कीर्तन में बैठा, कीर्तन के बाद में फिर जो हमारे मंदिर में जो बगीचा है मंदिर पीछे पूरी मंदिर में वहाँ से फिर फूल तोड़ना पड़ता था, इतना नहीं फिर आगे बर्तन मलना पड़ता था, बर्तन को धोता था। और उस समय 12 मंदिर में वहाँ पूजा होती थी, ऊपर में जो 4 प्रवर्तक 4 आचार्य और नीचे 4 मंदिर है 4 मंदिर जैसे गोपेश्वर महादेव मंदिर भारत महाराज जैसे हमारी ये इतना मंदिर का बर्तन पहाड़ जैसे होता था उसको साफ करते थे उसको, फिर कभी कभी इतना पानी में हाथ ना पूरा ये हो जाता था प्यार सूज जाता था घाव बन जाता था कभी कभी इतना पानी में, फिर इतना उसको करके फिर कहाँ जाता था उसके बाद में फिर मार्केटिंग करने जाता था, मंदिर मार्केट जो नाट मंदिर है ना हमारे मंदिर देखना एक भी कहीं धूल पड़ा हुआ कभी नहीं देखा, रोज उसको पानी से अच्छे तरह से साफ करना, नीचे फ्लोर को साफ करना, उसको बाद में फिर मैं मार्केटिंग करने जाता था बाजार लेने के लिए लक्ष्मी बाजार में सब्जी लेने के लिए। फिर आते ही फिर फूल जो बनाना मंदिर में जो ठाकुर के लिए ये फूल की माला बनाना पड़ता था, ऐसे करते करते 1 बजे तक 4 माला तो किसी तरह से मैंने
चार माला करना कभी कठिन होता था इतने। और लेकिन मेरे अंदर में पढ़ने का बड़ी ये था, हम शास्त्र पढ़े हरिकथा बोले पहले से, मेरे बचपन से पता नहीं मेरे हृदय में हरिकथा शोक सुने हरिकथा सीखे, इसलिए अब समय का बैठ कर पढ़ने का। इसलिए मैं क्या करता था, श्लोक को मैं हाथ में लिख लेता था, समय नहीं था बैठ कर पढ़े, हाथ में श्लोक लिख करके मैं जाते समय साइकिल में श्लोक ऐसे पढ़ते पढ़ते जाता था। और जो फूल की माला बनाता था उस समय में फूल माला बनाता था और वो श्लोकों की याद करता था। फिर समय नहीं, हमारे मंदिर में देखना जो नाट मंदिर में सिखा अष्टक रूप गोस्वामी का, मैंने कभी बैठ करके श्लोक याद नहीं किया, समय नहीं, मंदिर साफ करता था, चेत दर्प मार्जन चेत दर्प मार्जन चेत दर्प मार्जन भव महादावा निर्वासन भव महादावा निर्वासन, ऐसे करते करते मैंने श्लोक याद करता था। क्योंकि मेरे अंदर में पता नहीं बचपन से हरी कथा आप सीखेंगे हरी कथा बोलेंगे, मेरे अंदर बड़ी उत्कंठा रहती थी हरी कथा कैसे सीखे हरी कथा कैसे सीखे, इसलिए मैं ऐसे ऐसे करते हुए मैंने ये सब श्लोक हमने सीखा है। ऐसे ऐसे बहुत कठिन जो सोच नहीं सकते, हम तो कभी एक सेवा करते ना, अरे दूसरे सेवा ये नहीं करेगा ये करेगा, मैं इतने सेवा किया जो सोच भी नहीं सकते। फिर शाम को किसी तरह से एक बज जाता था, एक पूरा फूल की माला बनाते बनाते एक बज जाता था, उसके बाद में फिर प्रसाद बाप इतने थक जाता था, फिर गुरु जी को सेवा हम ये बता रहा था, फिर गुरु जी के पास में जा करके एक घंटा दो घंटा गुरु जी के पास में सब गुरु जी प्यार लंबा करके जब बैठते थे गुरु जी के जा करके मैं चरण सेवा करता था। गुरु जी चरण में तो छोटा बच्चा था 15-16 साल में होगा, मैं जब उठता था क्या करता था, छोटा बच्चा था गुरुदेव प्यार में सहारा देकर उठ जाता था, जैसे जैसे गुरुदेव है ना बैठ कर गुरुदेव प्यार दबाता था, मैं जब उठता था मेरे को इतने नींद आती थी, दिन भर सेवा करते करते इतने थक जाता था, इतने उसमें नींद आती थी, और जब उठता था गुरुदेव को प्यार में सहारा देकर, गुरुदेव बोलते थे नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि गुरुदेव को प्यार में सहारा देकर उठ रहा हूँ ना, इसलिए गुरुदेव कहते थे बार बार बोलते थे नहीं ऐसे नहीं उठनी चाहिए अपने आप उठनी चाहिए, गुरुदेव मेरे को ऐसे बोलते थे। इसलिए इतना हमने सेवा किया है, देखो जो सेवा करेगा ना उसको मेवा मिलेगा, जो सेवा नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि भगवान जिसको देना चाहते हैं वही व्यक्ति वो वस्तु को प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवान देंगे किसको, जिसने निष्कपट होकर के जितने भगवान की गुरु वैष्णव के निष्कपट होकर के जितने सेवा करोगे, ये जो तत्व ज्ञान है वो अपने आप हृदय में स्फूर्ति होता है, हैं पढ़ने तो चाहिए लेकिन जब तक भगवान किसको इच्छा नहीं करते हैं ये चीज को हम दे, जब जमे वैसे वृणुते तेन लभे, मतलब क्या, भगवान जिनको वर्ण करते हैं भगवान जिनको ग्रहण करते हैं, नहीं ये जगत में प्रसिद्ध हो जगत में प्रभाव विस्तार कर, तब भी वही व्यक्ति इस चीज को प्राप्त कर सकता है, सभी नहीं प्राप्त कर सकते, वो चीज तभी होगा जब हम ठाकुर जी की निष्कपट रूप में ठाकुर जी की हम गुरु वैष्णव की जब हम सेवा करेंगे तभी जा करके होगा। इसलिए गुरुदेव लास्ट में अस्वस्थ नहीं, गुरुदेव लास्ट में गुरुदेव सबको उन्होंने दो 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 घंटा एक एक घंटा तुम लोग सब सेवा करना, जब गुरुदेव जगन्नाथपुरी में थे फिर गुरुदेव चले गए कलकत्ता, जब कलकत्ता चले गए जब गुरुदेव के अंतिम समय आया लास्ट समय आया अस्वस्थ लीला किए उस समय में, फिर मैं कलकत्ता भी गया नहीं, फिर मैं और एक ब्रह्मचारी दोनों यहाँ से गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, जब दर्शन करने के लिए गए तो वहां पर भी दो घंटा सेवा थी, जब दो घंटा सेवा थी मेरा जो ड्यूटी पड़ा रात को 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक मेरी ड्यूटी पड़ा, रात में 12 बजे गुरुदेव का पंखा चुराना, मैं और जो नरसिंहानंद प्रभु जो शरीर छोड़े हम दोनों की उसी समय में दोनों की हमारी ड्यूटी पड़ी, जब ड्यूटी पड़ी उस समय में गुरु जी लेट गए थे, मैं गुरु जी की हवा कर रहा था, गुरु जी की हवा कर रहा था, हवा करते करते ठीक 1 बज करके 10 मिनट में हठात देखा गुरुदेव का हाथ खुला, जब आग खुली मेरे साथ गुरुदेव सुस्त हो गए, लेकिन उसी समय गुरुदेव ने अपना अंतिम श्वास को त्याग किया अप्रकट लीला प्रकाश की, उस समय में गुरुदेव की मैं हवा कर रहा था गुरुदेव के, उस समय में जब आग बंद हो खोल करके ऐसे हो गया हाँ, इसलिए इतने में नृसिंहानंद प्रभु जैसे गुरुदेव कभी कभी जगन्नाथ का प्रसाद होता ना, जगन्नाथ के प्रसाद को जब पानी कभी कभी गुरुदेव को देते थे, वो प्रसाद का पानी चरणामृत देते, वो लेने के लिए गए इतने में गुरुदेव ने शरीर उन्होंने अंतिम श्वास को उन्होंने त्याग दिया हाँ। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हाँ, गुरु वैष्णव को जो रोग आदि होता है उनका मरण आदि होता है जो दिखाई पड़ता है सो किया किस लिए, बोले कारण है
गुरु वैष्णव सेवा देना चाहते हैं, अगर अशुद्ध लीला नहीं होगा ना बद्ध जीव कभी तो सेवा ही नहीं करेगा, और जब तक गुरु वैष्णव की सेवा नहीं करेगा तब तक जीव की संस्कार नहीं बनेगा, सुकृति नहीं बनेगा। इसलिए कभी कभी गुरु वैष्णव मेरे गुरुदेव के पर्यटक महाराज हैं जो कभी आचार्य थे, उन्होंने गुरुदेव के ये प्रश्न किया था, गुरुदेव गुरु वैष्णव में ये बीमारी क्यों देखता है, बोले केवल दूसरों को सेवा लेने के लिए ही ये बीमारी की अभिनय गुरु वैष्णव करते हैं। जैसे भक्ति प्रबोधपुरी गोस्वामी महाराज अंतिम समय में ये जब किया किससे पूरा बात करना बंद कर दिया, हमारे भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जब गए उनका दर्शन करने के लिए पुरी में, जब उनको सुना नारायण महाराज है महाराज कुछ कह रहे थे, नारायण महाराज है महाराज अच्छे तरह से बात की, बोले कैसे हो कैसे क्या चल रहा है क्या मना अच्छे, गुरुदेव ने हमसे अच्छे तरह से बात किया, लेकिन लेकिन वैसे वो बात नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अंतर दशा में हर समय प्रभु की लीलाओं को ये स्मरण करते रहते हैं, ठाकुर जी की भजन करते रहते हैं। तो उसके बाद में और एक सुनो, बोले तारा वह किम नाम जीवंती, बहुत बढ़िया सुना, भस्राप के न ससंतुत न खादंती न मेहनती किम ग्राम फसव। यहाँ पर श्लोक में कहते हैं तरवह किम नम जीवंती, अगर ये मानव शरीर पा करके केवल जिंदा रहना ही यही जीवन का सब कुछ हो, जिंदा रहना ही सब कुछ हो, तरवह किम न जीवंती, क्या पेड़ जिंदा नहीं रहते हैं? आप देखो पीपल का पेड़ देखो, अस्वस्थ पेड़ देखो, आप बरगद का पेड़ देखो, हजार हजार साल से जिंदे हैं, हजार हजार बरगद पेड़ देखो, कितना दिन तक हम ऑस्ट्रेलिया हम गए थे इतने बड़े बड़े पेड़ देखे, बावारी कितने मोटे। इसलिए कहते अगर केवल जिंदा रहना ही है जीवन का सब कुछ, भैया पेड़ तो हजार हजार साल जिंदा रहता है फिर उसका जीवन ही धन्य है। तरबह की न बजती भस्राम की न ससंतुत, अगर श्वास लेना अगर श्वास छोड़ना यही अगर जीवन का सब कुछ हो, एक एक भस्रा होता है धोखनी होता है, अब देखेंगे धोखनी जो कोयला गर्म करके ना कोयला को गर्म करके उसमें जो लोहे को गर्म करके ये करते हैं अस्त्र बनाते हैं, अब देखना वो धोखनी उसको दबाते हैं छोड़ते हैं दबाते हैं छोड़ते हैं, उसमें क्या होता है वो श्वास जाता है श्वास लेता है, जैसे इंसान जैसे श्वास लेता जाता अगर केवल श्वास लेना अगर श्वास छोड़ना अगर जीवन का सब कुछ होता, भैया एक तो धोखनी भी वो भी तो श्वास लेता है श्वास छोड़ता है, न खादंती, अगर कोई खादंती केवल खाओ और मर जाओ है, केवल जीवन में खाओ और मर जाओ, अगर ऐसे अगर हो न खादंती न मेहनती कि ग्राम पशुओं पर, एक हाथी को देखो एक साथ में कितना खाना खाता है, हाँ कितना खाना, बकरी को देखो दिन भर मुंह चलाता है दिन भर मुंह चलाता है बकरी, अगर खाना ही मेहनत मतलब संतान को उत्पन्न करना, अगर यही जीवन का सब कुछ होता तो भैया क्या सूअर क्या बच्चा जन्म नहीं देना, एक एक आदमी से दस दस बीस बीस बच्चा जन्म देता है, हैं हम तो कितने कष्ट करके अपने आहार को संग्रह करते हैं, लेकिन उनको देखो आसानी से ये जीवन को आसानी से बिता रहे। इसलिए यहाँ बड़े श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं केवल खाओ पियो और मर जाओ, भैया ये जानवर लोग भी ये सब काम करते हैं, ये जीवन का मुख्य मूल उद्देश्य नहीं, उद्देश्य क्या है भगवान की भजन, अगर प्रभु की भजन नहीं किया तो तुम्हारी जीवन धिक्कार है, ये जीवन पाना, इसलिए कहते एलो और गेलो, आया और तू संसार से गया तेरे से और कुछ नहीं हुआ है, तेरे से कुछ हुआ भी आया आया और तू गया संसार से हैं, इसलिए ये जीवन पाकर भक्ति करनी चाहिए। उसको बाद में ये बहुत बढ़िया श्लोक, ये श्लोक को मेरे गुरुदेव इनका रेकॉर्डिंग है बहुत अच्छे तरह से व्याख्या किया है, बोले सुबीर बरा पुष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु न जात कर्ण पथ पेतो जातो नाम गदा ग्रजा, कहते जिनको भगवान ने ये मानव शरीर दिया लेकिन मानव शरीर देने का बावजूद ही जिसने इन्हीं कानों में भगवान की कथा नहीं सुनी, सारा दुनिया की तो कथा सुने हैं इधर उधर की बात तो सब सुने लेकिन उसने भगवान की कथा नहीं सुनी, तो वो कैसे है वह भगवान की भक्ति नहीं कि वो कैसे है, बोले सो बीट बीट मतलब बिष्टा, कहते वो बिष्टा भुजी एक स्वर है हैं? और एक हड्डी चिबाने वाला एक कुत्ता है और कांटा खाने वाले एक ऊंट है और गधा
स्त्री को द्वारा लाछित लाछनान होते के गधे के समान, उसको भागवत में उसको चार चार जानवर को साथ में उनको उदाहरण दिया। अगर जिसने मानव शरीर पा करके भगवान की कथा नहीं सुने, भगवान की भजन नहीं किया, उनको चार चार जानवर को साथ में उदाहरण दिया, और कुत्ता सुअर कुत्ता गधा ऊंट, इसलिए चार चार जानवर को साथ में उदाहरण दिया। तो यहाँ पर कहते हैं भैया ऐसे गाली दे रहे हैं, ऐसे गाली दे रहे कि भजन नहीं करते। हाँ विश्वनाथ को टिक्का बहुत अच्छे सुंदर टिक्का लिखे। कभी हमारे गुरु जी कथा सुनाते हैं, क्या कथा सुनाई इसको ऊपर में, एक सुंदर गुरु जी ने कथा सुनाया। बोले एक समय एक बहुत अच्छे टाई बूट कूट पहना हुआ एक है, एक जज है, एक जज के पास में एक कुत्ता आया। कुत्ता आकर के उसको स्तुति स्तव करने लग गया। तो उसने कहा भैया तू कुत्ता होकर के मेरे को स्तुति स्तव कर रहे हो हैं? कहते हमारी एक मीटिंग है, वो मीटिंग में कोई उसमें कोई सभापति नहीं मिल रहा है, हम चाहते हैं हमारा मीटिंग का तुम सभापति बनो। सभापति कौन बनता है? जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसको सभापति बनाते हैं। इसका मतलब अगर तू कुत्ते में सभापति में सबसे बड़े कुत्ते तुम हो, क्या ये मतलब है? तो सबसे बड़े कुत्ते जज को बड़ा बुरा लगा, बोले तुम मेरे को सभापति बनाना चाहते, इसका मतलब मैं बड़ा कुत्ता हूँ। बोले हाँ हमको तो लगता है तुम बड़े कुत्ते हो। बोले कुत्ता क्या करते हैं आप देखना, जब पेशाब करना होगा, अब कभी कभी कुत्ता को देखना कि धीरे धीरे चलते हुए, कभी नहीं करते, जब चलते हैं ना जोर जोर से, अब देखना कुत्ते को भी धीरे धीरे चलते हुए देखे, हर समय भागते रहते हैं। जब पेशाब लगता है ना भागते भागते लग जाता है, लगता है कोई ऑब्जेक्ट कोई टेलीफोन आया टेलीग्राम आया, ऐसे लगता है भागते भागते जाएगा, टांग उठा करके पेशाब करके फिर उधर से भागते भागते फिर भागते भागते आएगा। तब यहाँ पर कहते हम भी भगवान की भजन को छोड़ करके, ठाकुर जी की भक्ति को छोड़ कर दिन भर देखो इधर भाग रहे, उधर से उधर भाग रहे, उधर से उधर, दिन भर हम भागते रहते हैं, हम दिन भर हम भागते रहते हैं। कहते भैया किस लिए भाग रहे हो? तब कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन अगर मेरे भजन के बगैर अगर तू संसार में भाग रहे हो ऐसे ही भागते रहोगे जिंदगी भर। अगर मेरी भक्ति के लिए अगर तुम भाग रहे हो किस लिए पैसा कमाने जा रहे हो? भैया ठग पैसा के बगैर ठाकुर की सेवा कैसे हो? बस तुम्हारा भागना सार्थक होता होगा। सब्जी लेने के लिए जा रहे हो, बोले ठाकुर को भोग क्या लगेगा? सब्जी लाएंगे तो ठाकुर को भोग लगेगा, तभी तो खाएंगे। अगर ठाकुर की सेवा के लिए अगर आप भाग रहे हो आपका भागना सार्थकता है। अगर ठाकुर जी की सेवा के बगैर तुम इधर उधर दिन भर भाग रहे हो, बोले कुत्ते जैसे भागते तो ऐसे भी दिन भर भाग रहे हो है, क्योंकि संसार में कोई किसका है नहीं, एक दिन तो संसार छोड़ना पड़ेगा दुनिया। इसलिए कहते के आदमी को था इसलाभ करते मैं कहाँ था कहाँ से आया क्या किया जाने के बाद कहाँ जाएंगे, हमने किया क्या संसार में, इसी विषय में अगर सोचा ही नहीं, केवल माया के लिए भागते रहते, माया है झूठा है। माया मतलब क्या? जो जो चीज नहीं वो चीज है। इसलिए कहते हैं और देखना कुत्ते को अगर कोई हड्डी मिल जाए ना, आप देखना इधर देखता है इधर कोई देखा था नहीं, झट उसको मुंह में पकड़ करके किसी एक गुप्त स्थान में चला जाएगा, जाकर वो हड्डी को छिपा रहेगा, लेकिन हड्डी में कुछ है नहीं, अपना मुंह से खून निकलता है, अपना खून को चाटते रहेगा और वो हड्डी को छिपा रहेगा। तो उसी तरह संसार में जिएंगी, ये विषय रूपी जो देश को सोचता है शायद इसमें कोई आनंद है, लेकिन उसमें कोई आनंद नहीं उसमें। इसलिए कहते उसको एक कुत्ता, उसको बाद में सुअर आया, वो सुअर भी उसको स्तुति स्तव करने लग गया। बोले भैया तू सुअर होकर मेरे को स्तुति स्तव करते हो? बोले हमारे की मीटिंग है, लेकिन वो मीटिंग में कोई सभापति बनने के लिए कोई है नहीं, देखा आप ही उपयुक्त व्यक्ति, इसका मतलब सुअर में तुम सबसे बड़े सुअर हो हैं। उसको तो बड़ा क्रोध आया, बोले तुम मेरे को सुअर कह रहे हो, सभापति पद में नियुक्त कर रहे हो? तो सुअर कहते हैं मेरे को तो यही दिखता है, हैं मेरे को तो यही दिख रहा है। बोले कैसे? बोले देखना सुअर उसका जो घ्राण है ना बड़ा तेज है, उसका घ्राण बड़ा तेज है, इसलिए देखना जहां पर दुष्टा होता है ना वो सुनते 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 वहीं वो पहुंच जाता है, वहीं पहुंच जाता है। कहते उसी तरह जो जीव है संसार में, जो विषय जहां पर विषय की बात हो ना वो सुनते 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 वहीं पर चला जाता है, लेकिन जहां पर भगवान की कथा हो ना उसको उसको सुगंध आता ही नहीं, कृष्ण कथा के उसको सुगंध नहीं आता है,
लेकिन जहाँ पर उल्टा पुलटा चीज हो ना वहीं पर सुनते सुनते चले जाएंगे। अब देखना पार्क में बैठ करके सारा दुनिया की इधर उधर की सारी बात करते हुए देखोगे हैं, ताश खेलते हुए। उम्र हो गया कहाँ भगवान की भक्ति करे, भगवान इतने दुर्लभ जीवन दिया है, भक्ति की कोई बात नहीं। यहाँ के वहाँ के सारा दुनिया की बात को बैठ करके करते हैं। इसलिए कहते हैं स्वर क्या करता है, विष्टा भोजन करता है। इसलिए उपनिषद में बताया है कहते जो जो चीज भगवान को भोग नहीं लगता है कहते स्वाद विष्टा समझ अन्न है। भगवान की अगर कोई चीज भोग नहीं लगता है कोई चीज क्या है मतलब विष्टा के बराबर। और जो पानी जो ठाकुर का अगर भोग नहीं लगता है वो पेशाब का बराबर है। हम इसलिए कहते हैं तुम भी भगवान को बगैर भोग लगाए भोजन करते हो, विष्टा ही तो भोजन करते हो। इसलिए सुअर गया, इतने में ऊंट आ गया, ऊंट भी ऐसे स्तुति करने लग गया। बोले भैया तुम मेरे को स्तुति क्यों कर रहे हो, बोले हमारी मीटिंग में कोई सभापति बनने के लिए नहीं लगता है, आप ही सभापति बनने का उपयुक्त हो। बोले मेरे को मतलब तुम सबसे बड़े ऊंट हो, तो बोले मेरे भैया मेरे को ऊंट क्यों कह रहे हो। बोले ऊंट क्या करता है आप देखे, ऊंट क्या करता है उसको अगर कोई कोमल कोमल कोई पत्ते तो उन्हें नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा कहाँ बबुल का पेड़, कहाँ कांटा के वृक्ष है, वो कांटा की पेड़ को खाता है। जब खाता है उसको कांटा खाने पर उसको मुंह में चुभता है, चुभने पर खून निकलता है, वो अपना खून को ही पीता रहता है। लेकिन वो क्या सोचता है शायद बबुल का जो पेड़ में कांटा में शायद उसमें कोई मिठास है, लेकिन उसमें कोई मीठा नहीं, अपना मुंह का खून को वो पीता रहता है। फिर उसी तरह जो जीव है भगवान की मधुर मधुर कथा को छोड़ करके जो कांटा युक्त जो वृक्ष, कांटा युक्त मतलब ये संसार की जो बात है वो इसमें जब रमता रहता है। संसार की कोई बैठ कर संसार का बात करो ऊपर बोलेगा आप कैसे, बोले हाँ मुंडी लागे ठीक ठाक, लेकिन अंदर की किसका बात करो संसार की, बोले कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई है संस्कृत तक से, कोई मन से, कोई धन से दुखी 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 है। इसलिए कहते ये विषय रूपी कांटा को जो हर समय खाता रहता है उसको बाद में फिर गधा है, गधा आकर वो भी स्तुति करने लगे। बोले कोई भैया मेरे क्यों स्तुति कर रहे हो, बोले हमारी मीटिंग में कोई सभापति बनने की कोई है नहीं, हम देखना आप ही सभापति बन सकते, मतलब गधे में आप सबसे बड़े गधे हो। बोले मेरे को ऐसे क्यों कहता है, वो कहता है देखो गधा क्या करता है, गधा के देखो गधे को देखो ना जितने मैला कपड़ा धोबी क्या करता है उसको पीठ के ऊपर में सारे मैला कपड़ा को रख करके उसको ले जाता है पर साफ करता है, और जिधर पहाड़ी के अंचल में वहां पर गधा ही सारे काम करता है, क्योंकि वहां पर पहाड़ पहाड़ में दाल चावल चीनी गधे को पीठ पर रख करके सारे उसको ले जाते हैं। लेकिन उसको पीठ में तो ढोके उसे ले जाते हैं, लेकिन उसको कभी एक पराठा बनाकर निकला घास दे दो, बोले तुमने इतने चीन पीठ में ढोकर के ले गए उसको कभी हैं, उसको कभी एक 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 ग्लास शरबत उसको बनाकर नहीं खिलाता है। इतना सुंदर आटा ले जाता है, एक रोटी बनाता है, क्या खाता है वो भूसा खाता है, घास भी खाता है। ठीक उसी तरह कहते हैं एक व्यक्ति मार्केट में जा रहा था, जाते समय कुछ कमला लेने था ना, कमला लेने संतरा, हाँ संतरा ले जा रहा था, लेते समय रास्ता में एक छिलका उतार कर खाते खाते जा रहा था। एक व्यक्ति ने कहा भैया तो उसको रास्ता में खाते खाते क्यों जा रहे, बोले इसीलिए घर में जाने पर मेरे बंटवारा होगा, अगर एक पीस अगर पड़ेगा तो फिर नाती पोती अगर खा लेंगे, मेरे को पता घर में जाकर खा नहीं पाऊंगा इसलिए रास्ता में एक मैं खा लेता हूँ। इसलिए कहते संसार का सारे बोझ तो पीठ पर ढोते हैं, लेकिन उसका जो रस है उसका आनंद जीव को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए गधा कहता है देखो मैं दिन भर काम करता हूँ, लेकिन सोचता हूँ शाम को जब घर में जाऊं जो गाधी है ना थोड़ी मीठी मीठी बोली बोलेगी, थोड़ी सी प्यार करेगी, लेकिन जब जाता हूँ फिर वहां जाकर फिर गाली। अब देखना गधे को पीछे कोई नहीं जाते, क्यों वो लात मारती, ओ गधा लात मारती। हम भी संसार में सबका लात खाना पड़ता है, संसार में सबका सेवा करता है, सभी को सेवा करते हैं, लेकिन सबको गालियां भी सुनना पड़ता है, सबको सेवा करो सबकी गाली सुनो। इसलिए कहते संस्तुत पुरुष पशु, देखो ये जो शब्द एक आया संस्तुत मतलब सम्यक रूप में स्तुति कर रहे हैं,
मतलब ये गधा कह रहे हैं, देखो मैं गधा हूँ, मेरे अंदर में केवल गधा का ही गुण है, ऊंट का गुण नहीं, सुअर का नहीं, कुत्ते का नहीं। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, कहते एक व्यक्ति को अंदर में ये चार चार जानवर का गुण, एक जीव के अंदर में, एक जीव के अंदर में। इसका मतलब सुतो गोस्वामी कहते हैं, अगर जीवन पा करके भगवान की अगर भक्ति नहीं करते हैं, हम जानवर की बराबर है। इसलिए जीवन पा करके क्या करो, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो, तभी ये जीवन का सार्थकता है। अगर संसार का सारे कर्तव्य को हम बहुत अच्छे तरह से किया, सारे कर्तव्य को, सारा दुनिया के कर्तव्य को अच्छे तरह से किया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं किया, तो लास्ट में गोल आलू जीरो है, गोल आलू। क्योंकि अंतिम समय में यही बोल कर ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बेटा जितने प्रभु का नाम लिया ना भूल जाके, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया है, सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रहे। इसलिए जीवन पाकर क्या करो, सुतो गोस्वामी कहते हैं, हे स्वर्णकांत ऋषियों, जीवन पाकर के भगवान की भजन करो, नहीं तो तुम्हारी जीवन का कोई महत्व नहीं, जानवर जैसे तुम्हारी जीवन है। ठीक है, निताई गौर ब्रह्मानंद देव, हरे कृष्ण। कल का कथा को हम किसको कौन सुनाएगा, कल का कथा बोलो, कल का कथा सुनाएगा, कल का कथा, नहीं तो वहां से सुना भागवत का, वहां से वो नैमी से अनिमि से कहते हैं, कोई बोला, कौन बोला, बोलो, एक भी नहीं बोला, लाइट इसको बंद कर बता दे।